वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड ईयर में है और ये वीर बहादुर सिंह, याद रखना वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर कहीं के भी हैं, लेकिन आपका जो पेपर इंपोर्टेंट रहने वाला है याद रखना, ये जो प्राचीन इतिहास की बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये प्राचीन आपकी जो हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास कह सकते हैं इसको, इतिहास है, इसका पेपर हो जाएगा। ये 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या है? ये फर्स्ट पेपर है बेटा, इसका सेकंड पेपर मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। अभी फर्स्ट पेपर की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर कल है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। देखो यहाँ आपका पूरा सिलेबस के आधार पर मैंने यहाँ कोडिंग बनाई है, पूरा देख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है ये जरूरी है। तो आपको पहला पॉइंट ये पढ़ लेना कि हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के बारे में और उनके समकालीन कौन थे। तो हर्षवर्धन और उनके समकालीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो पॉइंट बने थे, ए और बी। कौन कौन थे? एक तो शशांक के बारे में आपसे पूछ लेता है, ये आपको भास्कर के बारे में पूछ लेता है। तो आप ये दोनों को अच्छी तरीके से इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बुक नोट्स, गेस्ट पेपर, जिससे भी आप पढ़ाई करते होंगे, यहां से ये क्वेश्चन बनेगा कि हर्षवर्धन क्या है, उसके समकालीन के बारे में एक्सपेक्ट कीजिए। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। और एक क्वेश्चन ये देख लेना कि कश्मीर के जो ललिता दे एक था, मुकदा कह सकते हैं, मुकदा पेड़ था, उसके बारे में आपसे देख लेना है, ठीक है? तो और बाकी हम बात करेंगे यहाँ, देखो नांग भट्ट प्रथम की और नांग भट्ट द्वितीय की दोनों आप याद कर लेंगे। महेंद्रपाल प्रथम को याद कर लेना है, महीपाल को देख सकते हैं, महेंद्रपाल प्रथम को एक बार पढ़ लेना है। देखो आप एक बार पढ़ लोगे ना तो उसको बना बना के कराओगे, लेकिन आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है? ये है पलास, धर्मपाल, देवपाल, ये छोड़ दीजिए इनको, लेकिन लक्ष्मण कह सकते हैं, लक्ष्मण सेन को मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, लक्ष्मण सेन को आप पढ़ लेंगे। विजय सेना, जो सेना थी इनकी, ये सेना थी, और विजय सेना और लक्ष्मण सेन कह सकते हैं, लक्ष्मण सेन, ये इनको दोनों को पढ़ लेना है। और देखो विद्याधर किसे कहते हैं, विद्याधर आपको देख लेना है। और कीर्ति जो कह सकते हैं वर्ण है, कीर्ति वर्ण के, उनके बारे में याद कर लेना है, कीर्ति वर्ण के बारे में, ठीक है? और भोज क्या थे, भोज को पढ़ लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? और कह सकते हैं परंपरा से मुंजा की बात की गई यहाँ, पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज ने, तो पृथ्वीराज के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना है। बी कह सकते हैं विग्रह राज जो चतुर्थ थे, विग्रह राज चतुर्थ, ठीक है? और अनुर्जा इसको छोड़ दीजिए, और गोविंद कह सकते हैं, गोविंद चंद्र और जयचंद्र, ठीक है? और कह सकते हैं जो गढ़वाल, इसको देखो पता नहीं कैसे कैसे चीज वो है। यहाँ यहाँ सिर्फ इतना बात की गई है, जो जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में आपको बताना है कि उन्होंने क्या क्या किया, ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, खासकर कुछ नहीं है आपके बुक नोट में जो भी है। और देखो भीम के बारे में याद कर लेना है, जय सिंह, सिद्धराज जो थे उनके बारे में याद कर लेना है, और चाल कह सकते हैं जो चालुक्य थे, पश्चिमी चालुक्य, उसके बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है? और लक्ष्मीकरण के बारे में सुनिए, मुस्लिम आक्रमण कर के बारे में, मुस्लिम आक्रमण कब कैसे किया हुआ उसके बारे में याद कर लेना है। शुद्ध पर अकबर का आक्रमण कैसे हुआ था, सिंधु पर जो सुंधी पर आक्रमण किया था अकबर ने, वो कैसे हुआ था याद। हिमल जो कह सकते हैं महमूद गजनबी थे, उसकी यात्रा के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण, ये इंपोर्टेंट है। भारतीयों को हार का कारण क्या था, ये जो चारों आप देख रहे हैं ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको रट लेना है, इन चारों पांचों को याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी मैंने ऊपर आपको जो बताया है आप इनको पढ़ लेंगे, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी आपका जो भी आपका दिल करता है उसको एक आध क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना, और बना बना के देखो यार, क्वेश्चन छूट भी रहा है ना, मैं बोल रहा हूं यदि नहीं भी आता है तो आप उसको बना बना के करके आना, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। याद रखना है पहले वो क्वेश्चनों को करना है जो आपको याद है, उसके बाद में पहले बाद में वो क्वेश्चनों को करना है जो याद नहीं है, लेकिन बना बना के करना है, छोड़ के नहीं आना, ठीक है? तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाय बाय।